बीजेपी आरएसएस का झंडा उठाना तो आरएसएस की चट्टी पीनो और शाखा में जाओ या कलेक्टर की जरूरत नहीं है आपको। अपनी कुर्सी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार। अलीराजपुर में किसानों के समर्थन में रैली के दौरान सिंघार ने सरकारी अफसरों को खुली चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अफसरों को अगर सरकारी गुलामी करनी हो तो संघ की चड्डी पहन ले। सुनिए। कुछ अधिकारी ऐसे बिठा दिए जो अपनी कुर्सी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं। अगर ऐसे दलाल अगर कोई है उन दलालों को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल रडार पर रखेगी। रडार पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निर्भीक होकर जनता की सेवा करें। अगर आप अगर निष्पक्ष नहीं हुए तो आपके खिलाफ भी हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बजाना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और ज्यादा ही शोर आ रहा है किसी अधिकारी को किसी कलेक्टर को बीजेपी आरएसएस का झंडा उठाना तो आरएसएस की चट्टी पीनो और शाखा में जाओ या कलेक्टर की जरूरत नहीं है आपको। आम जनता के लिए आपको सेवा करना पड़ेगी, ये मैं आगे कलेक्टर को कहना चाहता हूँ। उमंग का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय बेझिझक बता सकते हैं। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।